दुनिया में हस्त निर्मित कालीन के लिए विख्यात भदोही के कारीगर इसराइल को संवारेंगे। इसराइल जाने वाले श्रमिकों की सूची श्रम विभाग को प्राप्त है। सहायक श्रमायुक्त भदोही कमलेश कुमार के निर्देशन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ज्ञानपुर जेपी सिंह, इंद्रजीत तिवारी, वीरेंद्र प्रसाद यादव, रामविलास बिंद की मौजूदगी में इन कारीगरों का जिला अस्पताल ज्ञानपुर में मेडिकल कराया गया। आगे का हाल मिथिलेश द्विवेदी से सुनिए। भारत सरकार की मंशा के तहत श्रम विभाग ने कालीन नगरी भदोही से जिन मजदूरों को चयनित किया है इसराइल भेजने के लिए, उनका आज जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण चल रहा है। कितने मजदूरों को जाना है इसराइल, क्या है स्थिति इस पूरे मामले की, यहाँ मेडिकल कराया जा रहा है जिला अस्पताल में, पूरी जानकारी के लिए आइए हम बात करते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह साहब। वहीं से कुछ लेबर भेजे जा रहे हैं। इसराइल सरकार द्वारा भारत सरकार से अपेक्षा की गई कि 1,00,000 वर्कर उनको उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से 10,000 कुशल श्रमिकों को भेजा जाना है। ये कुशल श्रमिक भवन निर्माण की श्रेणी में है, जिसके अंतर्गत राजमिस्त्री का कार्य करने वाले, प्लास्टर का काम करने वाले, सकरिंग का काम करने वाले, बार बेंडिंग का काम करने वाले, टाइल्स लगाने वाले मजदूरों की मांग थी। इसी मांग के क्रम में 200 श्रमिकों की सूची भेजी गई थी, जिसमें से 25 श्रमिकों को शार्ट करके वापस किया गया है कि इन 25 श्रमिकों को पहले क्रम में पहले नंबर पर भेजा जाना है। इन 25 श्रमिकों को की दक्षता परीक्षा 27 जनवरी 2024 को लखनऊ अलीगंज में ITI परिसर में होना है। दक्षता परीक्षा के पूर्व इन सभी का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना है। चिकित्सीय परीक्षण के क्रम में आज उपस्थित सभी श्रमिकों का जिला चिकित्सालय चेत सिंह चिकित्सालय में चिकित्सीय परीक्षण का काम चल रहा है। चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत सभी श्रमिक 27 जनवरी को लखनऊ दक्षता परीक्षण हेतु जाएंगे। दक्षता परीक्षण में जो श्रमिक पास होंगे उनको जाने की तिथि इजराइल की जो एजेंसी है PFIB उसके द्वारा बताया जाएगा, तब ये इजराइल के लिए जाएंगे।